आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला दो टॉपिक पे हम लोग मेनली काम करेंगे, दो सोशल मीडिया टूल्स पे। एक तो हम यूज करेंगे, एक बात करेंगे क्योरा के, QURA, क्योरा। कोई किसी तरह से प्रोनाउंसिएट करता है, कोई किसी तरह से प्रोनाउंसिएट करता है, ठीक है ना, QURA.com। नेचुरली बहुत से लोग यूज करते हैं कोरा को क्वेश्चंस पुट करने के लिए, यानी कि अपने क्वेश्चंस पुट करने के लिए, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस हो गए। चलो मैं एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं लॉगिन हो गया हूँ क्योरा पे फेसबुक की अपनी प्रोफाइल से। ठीक है, वो कुछ और ऑप्शंस पूछा है, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आई एम इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस, फूड्स, मूवीज, बुक्स, म्यूजिक, सभी में है मेरा, तो कितने कहेगा कौन सा है। चलो सभी में इंटरेस्ट है। ओके, डन 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 डन। ठीक है, क्या ये सोशल मीडिया टूल है? नहीं, ये सोशल मीडिया टूल्स नहीं है, लेकिन क्या इससे आपको बेनिफिट हो सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में या अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक खींचने में? यस, बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स हो सकते हैं। लोग यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक ऐसी प्लेस बन चुका है जहां पे लोग जिसको मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वॉज योर मोस्ट एम्बेरसिंग एयरपोर्ट एक्सप्लेन, स्ट्रगलिंग इन राइट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। चलो हम ये पढ़ते हैं, ये तो कहीं और ले गया मुझे, कैस्परा। ये एड्स है, स्पॉन्सर्ड एड्स है ये तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही टाइप करते हैं, चलो सर्च कोरा तो बेस्ट सोशल मीडिया टूल्स। फॉर एनालिटिक एंड मैनेजमेंट, चलो ये पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप लोग ज्यादातर क्या करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, लेकिन कभी कोशिश की है कि आप इसका आंसर्स दो यहां पे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ड्रग्स, ओके, यहां पे लोगों के आंसर्स दे रही है, लोगों के क्वेश्चनों के आंसर दे रही है, और अपना वेबसाइट का लिंक छोड़ रही है, अपनी प्रोफाइल का लिंक छोड़ रही है, ठीक है, चाहे वो फेसबुक की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, या कहीं की भी प्रोफाइल है। तो सोचो से कितना ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। अगर आप आपको किसने कहा है कि liberate.com पे या किसी और ऐसी डॉक्टर या कंसल्टेंट वाली साइट पे जाके आपको वहां पे अपने आप को रजिस्टर करके आपको आर्टिकल्स डालने हैं, नो, आपके आर्टिकल्स तो यहाँ क्योरा पे आ सकते हैं। क्योरा पे आप चाहे जितने जितने मर्जी क्वेश्चंस का जवाब दो, आप अपनी पूरी वेबसाइट की मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हो। आप फुल फ्लैज इन्वॉल्व हो सकते हो एज ए कंसल्टेंट के तौर पे, ठीक है। आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो यहाँ से, डाइवर्ट का मतलब यहाँ से ट्रैफिक वहां भेज सकते हो, ठीक है। जरा देखो जरा क्या लिख रहा है, देखो इस बंदे ने चालाकी करी ना, सॉल्व दिस, मेकर ऑफ दिस इज डिस्क्लेमर, आई फाउंड दिस राइट फोर्ज स्टार्ट्स एट $15 पर मंथ। ये अपनी प्रमोशन कर रहा है बंदा, पूरी इमेजेस डाली है उसने, टेक्स्ट डाला है, सब कुछ डाला है उसने, पूरा वीडियो डाल दिया उसने, क्योरा पे लिंक डाल दिया यूट्यूब का, उसकी प्रमोशन कर रहा है ये, ठीक है। ये देखो, व्हाट आर द बेस्ट टूल्स, कंटिन्यू रीडिंग द फीड्स, जरा हम पढ़ते हैं इसको डीपली। ये बंदे ने क्या किया, सबसे पहले उसने लिंक किसका डाला, ध्यान से देखो, walls.io। हो सकता है ये इसकी अपनी पोस्ट हो, साइट हो सकता हो सकता है ये कोई नॉर्मल हमारी तरह कंसल्टेंट हो या जिसको क्वेश्चंस का जवाब देना। बट एक बार सोचो, ध्यान से सोचो, कौन इतना पागल है जो इतनी लंबा चौड़ा आर्टिकल यहां पे डालेगा, ठीक है, किसी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। ये वही कर सकता है जो कहीं ना कहीं कोई लिंक्स डाल के अपनी वेबसाइट, ठीक है, या फिर अपने सोशल मीडिया के प्रमोशंस कर रहा। तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व, हम क्यों नहीं इन्वॉल्व होते क्योरा पे? क्योरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बन रहा है
आपको कोई किसी भी जगह पे, आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक अच्छी आइडियाज दे सकते हो किसी टॉपिक पे, आप सॉल्यूशंस दे सकते हो, तो क्योरा पे आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते पूरी तरह से? सोशल मीडिया में आप आर्टिकल्स डाल रहे हो, लोग आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वहां पे आप लोगों को आर्टिकल्स जो दे रहे हो, कोई आ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं भी पढ़ रहा, लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब देते हो यहां पे, तो वो जवाब आपका सालों यहां पड़ा रहेगा। सोचो सही कि आपके जो लिंक्स हैं यहां पे, जो आपने लिंक्स डाले, वो हो सकता है कि पांच लोग क्लिक करें, हो सकता है 5,000 लोग क्लिक कर जाएं उसमें, ठीक है ना, और आपकी साइट पे ट्रैफिक आए, ठीक है ना, तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। ध्यान से देखोगे, ये अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा है, मैंने माउस कर्सर लेके गया प्लगइन पे, तो यहाँ पे वॉल्स आईओ प्लगइन जो वर्डप्रेस की है उसकी प्रमोशन कर रहा है ये, ठीक है, तो ये टाइप से प्रमोशन है, तो लोग यहाँ पे लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ प्रमोशन भी कर रहे हैं। ध्यान से अगर आप किसी पे भी जाओगे, व्हाट आर द सम ऑफ द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड फेक पिक्चर्स, ठीक है, ये तो चलो दूसरा हो गया। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे बंदा क्या करता है, amazon.com का लिंक लगा देगा, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का, एफिलेट का, बंदा कोई यहां पे आंसर पढ़ते पढ़ते क्लिक कर जाए, सीधे वो amazon.com पे चला गया, और अगर उसने आपके प्रोडक्ट को बाय कर लिया, आपको एफिलेट कमीशन आ गया। एफिलेट मीन सीधी बात है, कमीशन आ गया, आप एफिलेट हो, आप प्रमोटर हो उस प्रोडक्ट के, ठीक है, आपको एक परसेंटेज जो कमीशन आता है, 2%, 5%, वो आपको आ गया आपके अकाउंट में, क्योंकि पर्सन ने बाय कर लिया, आपके लिंक पे क्लिक किया, amazon.com पे गया। तो क्योरा एक जबरदस्त प्लेस है, इसको आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस रीड करने के लिए इस पे मत जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए इस पे जाओ। आप इसके प्रोसीजर्स को पढ़ लो अच्छी तरह से, क्या है, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, आप कमेंट्स दे सकते हो, जो लोग कमेंट छोड़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट्स में वो अपने लिंक्स छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये लोगों के लिए फायदेमंद होगा, काफी हद तक फायदेमंद होगा, और आपको एक बेहतरीन टूल मिल रहा है जिससे कि आप अपने इस साइट पे आने वाले ट्रैफिक को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे या फिर अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्योरा, आज हमने थोड़ा सा क्योरा के बारे में जाके टॉपिक हैं, ठीक है, वाई क्योरा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वाई क्योरा, हाउ मच इट वैल्यूज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है, तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो क्योरा वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। अब हम आते हैं एक और टूल पे, टूल क्या मतलब, पिन इंटरेस्ट पे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं एक्चुअली हम पिन इंटरेस्ट को हमने पहले यूज किया था, हम बोर्ड्स क्रिएट कर रहे थे पिन इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है, हमने पिन्स डाले, कुछ चीजें एक ऐसी थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम वो देखते हैं पहले, पिन इंटरेस्ट, pinterest.com क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो हम लोग स्किप कर गए। पिन इंटरेस्ट अभी तक तो आपको लग रहा था एक नॉर्मल सा टूल है, चलो आर्टिकल्स हम कहीं भी डाल रहे हैं, लिंक लगा दें, एक इमेज डाल दें, पर्सन कोई आर्टिकल को पढ़ेगा, उस इमेज पे क्लिक करके हमारे सीधे वाली आर्टिकल पे जाएगा, आर्टिकल वाले पेज पे, मतलब एक समरी वाले, आर्टिकल समरी वाले पेज पे जाएगा, वहां पे लिंक पे क्लिक करके सीधे आर्टिकल पे जाएगा, ठीक है। मैं पिनिंटरेस्ट में लॉग इन हो जाता हूँ, वन मिनट, ये मैं अपने पिनिंटरेस्ट के अकाउंट में लॉग इन हो गया, ठीक है, अब जरा हम चेक करते हैं कि हमारे पास आज के टॉपिक्स के लिए है क्या जो हमारे लिए पिन इंटरेस्ट को बेटर बना सकता है। मैं क्रोम में हूँ, मैं चला जाता हूँ एक्सटेंशंस में, मोर टूल्स एक्सटेंशंस,
ठीक है। पिन इंटरेस्ट हमें एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है ब्राउजर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो रहा है, एक मिनट रुकना प्लीज। तो अब मैं जो प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूं, अब मैं जो प्लगइन को ढूंढ रहा हूं वो है पिन इंटरेस्ट का प्लगइन है, सॉरी गलत जगह ढूंढ रहा हूं, यहां पे एक्सटेंशंस में जाना है, ओपन क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। आप वो फायरफॉक्स के लिए भी चेक कर लीजिएगा प्लगइन, क्योंकि मैंने फायरफॉक्स पे यूज नहीं किया हुआ ये प्लगइन, क्रोम पे यूज किया है बट काफी टाइम पहले यूज किया है। अब पिन इंटरेस्ट में काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं, पिन इंटरेस्ट आ जा भाई आ जा, ठीक है। पिन इंटरेस्ट सेव बटन, ठीक है। ऐड एक्सटेंशंस, ये क्या है टूल, पिन इंटरेस्ट सेव बटन, रुक जाओ पहले इंस्टॉल हो जाता है। चेकिंग इंस्टॉलिंग हो रही है अभी, कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लगइन है, टाइम लगा रहा है। पिन इंटरेस्ट सेव बटन कहता है सेव आइडियाज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द वेब विद वन क्लिक। ये आपको इमेज नजर आ रही है, कोई भी इमेज आपको नजर आ रही है वहां पे सेव बटन आ रहा है, आप क्लिक करके अपने जितने भी आपके पिन्स हैं उनमें सेव कर सकते हो। ये मेरे पास यहां पे आ गया, चूज ए पिन टू सेव, मैं इस टाइम लॉग इन तो हूं, चलो हम वेबसाइट को खोलते हैं। कौन सी वेबसाइट खोलें, वेब होस्टिंग ट्रेसी खोलते हैं। ध्यान से देखो, जैसे माउस कर्सर मैं इस इमेज पे लेके गया तो एक हमें राइट साइड में टॉप लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, बटन आ रहा है सेव का। ये बटन पहले नहीं आ रहा था, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहां पे लॉगिन हुए हुए हैं पिन इंटरेस्ट में, और क्रोम ब्राउजर की क्रोम में पिन इंटरेस्ट की ब्राउजर एड ऑन यानी प्लग इन हमने इंस्टॉल की हुई है एक्सटेंशन। देखो किसी भी इमेज पे लेके जाओ, जैसे ये इमेज है इस पे भी आ रहा है सेव का बटन, ठीक है। देखते हैं और कोई इमेज है हमारे इस पेज में, नहीं और नहीं है, चलो हम इन्हीं इमेजेस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये वाली इमेज है सेव, मैंने इस पे क्लिक किया सेव, जैसे ही मैंने सेव करने को क्लिक किया इसने मुझे क्या दिखा दिया, ध्यान से देखो ये बोर्ड्स किसके हैं, ये हमने क्रिएट किए हुए, मैंने क्रिएट किए हुए, ठीक है। ये क्लिक करा, इस बोर्ड के अंदर ये नजर आ रहे हैं होस्टिंग पैकेजेस, वेब होस्टिंग किस में आपने सेव करना है, किसी भी बोर्ड के अंदर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। बैक, यहां से ऊपर से बैक का बटन है, ठीक है। ये दो बोर्ड्स मैंने बनाए थे, एक वेब डिजाइन का आप लोगों के सामने ही बनाया था पिछले लेक्चर्स में,
ये पहले से बना हुआ था, ठीक है, इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं किसी के अंदर भी, ठीक है, बैक। लेकिन यहां पे मैं सेव करने की बजाय क्यों ना मैं कुछ और करूं, क्या करूं मतलब, मैं गया, कहाँ गया रे, हाँ ठीक है, बोर्ड है ये, ठीक है, बोर्ड्स पे गया, ये मेरे बोर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, मैं एक नया बोर्ड बनाता हूँ, ठीक है, ये कर्सर हटाना एक मिनट, ठीक है, ये बोर्ड का नाम देता हूं ड्राफ्ट, ठीक है, सीक्रेट, व्हाट इज ए सीक्रेट, सीक्रेट बोर्ड होता है प्राइवेट बोर्ड, जिसके हम लोगों ने इसके बारे में पिछले डिस्कशन नहीं किया था, अब हमें हम मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूं जो अब आप तब यूज करोगे जब आप मान के चलो कि आपकी एक पूरी टीम काम कर रही है, ठीक है, वो आप जो जो पिन बनाई जा रही है वो पिन्स आपके सीक्रेट वाले बोर्ड के अंदर स्टोर करे जा रही है। नाम क्या दिया हमने, ड्राफ्ट वेब होस्ट, ये दे देते हैं, चलो ड्राफ्ट वेब होस्ट, ठीक है, क्रिएट करूं, ये प्राइवेट बोर्ड है, ये किसी को नजर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें रखे हुए पिंस को हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आ गया ड्राफ्ट, जरा हम यहां पे देखें, यहां पे रिफ्रेश होने पे आ रहा है, सेव करने पे मतलब, लर्निंग थ्रू यहां अभी नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा शायद ये इस वजह से है, चूज ए पिन, सेव नहीं, वेब होस्टिंग, शायद वो अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, आ जाओ भाई, बोर्ड ड्राफ्ट गया, आ गया सबसे ऊपर, ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया, पिन इंटरेस्ट की प्लगइन ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिए सारे बोर्ड जिस जब हम लॉग इन है पिन इंटरेस्ट में, ठीक है, अब लॉग इन है ऑलरेडी, तो ये मैं किस में सेव करना चाहता हूँ, कौन सी इमेज थी वो हमारी, ये वाली, मैं ये वाली करता हूँ, नहीं है कुछ और ले लेते हैं, कोई और वेबसाइट लेता हूँ, चलो ये तो मेरी इमेजेस तो पहले ही इसमें पड़ी हुई है, नहीं तो आधा तो पता ही नहीं लगेगा, होस्टिंग एडवाइस डॉट कॉम, ये भी एक अच्छी साइट है, इससे लेते हैं कोई इमेज, कई बार तो कोई साइट खोलने को ही नहीं आती, टाइम लगाती है बहुत ज्यादा, ठीक है खुल गई, हाँ ये चीप वेब होस्टिंग, यही ले लेते हैं, चलो सेव, ये आ गई इमेज, आपको नजर आ रही है किस पिन में सेव करनी है, कहाँ पे मतलब किस आपके बोर्ड में सेव करनी है, यहाँ बोर्ड्स हैं सारे ऑल बोर्ड्स, ठीक है, यहां देखो ध्यान से देखो एक सिंबल आ रहा है ऊपर, एक मिनट रुकना, ये आ रहा है ऊपर एक सिंबल, यहां पे ध्यान से देखोगे लॉक का सिंबल आ रहा है, लॉक का मतलब ये किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है बोर्ड, ठीक है, आप किस में सेव करना चाहते हो, बोर्ड ये लिया, टॉप चॉइसेस आपकी ऊपर आ रही हैं, ठीक है, मैं सबसे इसी में सेव कर देता हूं, सेव, क्योंकि हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पिन पिन इंटरेस्ट हमें इमेज चेंज करने की परमिशन नहीं देता, ठीक है, जो आपका पिन क्रिएट हो गया, ठीक है, यहां पे मैंने पिन क्रिएट कर दिया, रीलोड करके देखता हूं आया कि नहीं आया,
स्लो रखी है थोड़ी सी, मेरे पास नेट वेबसाइट स्लो रखी है। ये आ गई इमेज, ये आपका पिन क्रिएट हो गया ना, चीप वेब होस्टिंग। अब आप इसको क्लिक करो, थोड़ा सा स्लो चल रही है मेरे पास, या तो नेट स्लो है या फिर पिन इंटरेस्ट पे स्लो चल रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए, मेरे पास नेट की प्रॉब्लम होगी। आ गया ना, ये आ गया हमारा पिन इंटरेस्ट पे, ठीक है। बट एक इश्यू है, एडिट कर लें हम इसको। ठीक है जी, ये सेक्शन कोई अलग से बनाना चाहते हो, जैसे चीप वेब होस्टिंग क्रिएट कर दिया, एक सेक्शन ही अलग से बना लिया, बोर्ड ये हो गया। इसमें हम डाल लेते हैं, देयर आर, ये डिस्क्रिप्शन है, देयर आर मैनी वेब होस्टिंग्स विच आर वेरी चीप एंड हैविंग गुड सपोर्ट सपोर्ट विद सो मैनी फीचर्स टू हेल्प दी कस्टमर्स यूजिंग देयर होस्टिंग। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, एडिट दिस पिन। हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, इमेज नहीं कि चेंज कर सकते, हमें पूरा पिन डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पिन क्रिएट हो गया। अब अगर ये मान के चलो ड्राफ्ट में है आपका पिन, ठीक है, तो आप इसको मतलब इस वाले सीक्रेट उसमें है, ठीक है, तो आप इसको किसी और उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, सर्च टॉप बोर्ड्स। मैंने यहां इस बोर्ड में ले लिया, ये अगर आपका ड्राफ्ट में है, अभी आपको लग रहा है कि ये फाइनल हो गया, नहीं फाइनल हुआ, सेव किया हुआ है, बाद में छोड़ दो, अभी अभी ये इसके अंदर ही रहेगा चीप वेब होस्टिंग का। लेकिन अगर कल आपको लगता है कि ये लोगों के लिए मैंने लाइव करना है, क्योंकि ये सीक्रेट सीक्रेट आपका बोर्ड है, तो सीक्रेट बोर्ड के अंदर जितने भी आपके पिन्स होंगे वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लोग सर्चिंग में नहीं मिलेगा लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल बोर्ड के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो, जो कि पब्लिक बोर्ड है, जो सब पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो इसको एडिट करो। एंड 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 कहाँ गया रे बोर्ड, कहाँ गया, चेंज, 1 मिनट, मैंने गलत जगह कर गया, ये तो इस पे क्लिक करना था, ध्यान नहीं था, एडिट, अरे यार पिन्स हैं, 1 मिनट, इस बोर्ड के अंदर शिफ्ट करना है, बोर्ड लिया, बोर्ड के अंदर ये और भी बने हुए हैं क्या, 1 मिनट, सेव टू, एक तो ना या तो क्लिक नहीं होता, क्लिक हो जा, एडिट पिन, इसमें कोई सेक्शन नहीं देते इसको, सेव। इसमें सेव हो गया, बैक करा मैंने, ठीक है। मेरे बोर्ड्स, एक तो ना ये बैक, इसमें अच्छा ऑप्शंस मुझे मिलते नहीं है कभी,
नहीं तो बैक का ऑप्शन सही होना चाहिए था कि मुझे सीधे डायरेक्टली सारे बोर्ड में चला जाए, शायद मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं गया ये वेब होस्टिंग वाले में, बेस्ट वेब होस्टिंग ऑप्शंस में। ये आ गया मेरा पिन, मैंने सेव यहां पे कर दिया। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे पिन्स हैं जो अभी फाइनल नहीं है, डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखी हुई, इमेजेस आपने चुन चुन के इधर उधर से, अब मैंने जैसे बहुत सारी इमेजेस चाहिए मुझे, यार ये वाली इमेज भी चाहिए, सेव किस में मैंने सेव कर दिया, ड्राफ्ट। ठीक है, इसमें हो गया सेव, सीट नाउ नहीं कुछ, क्लोज कर दो। ठीक है, मुझे और कोई साइट में इमेज मिली जैसे ये वाली, ठीक है, या ये वाली ले लेते हैं, इसमें नहीं आ रहा सेव का बटन, ये ट्विटर का है लिंक, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी नहीं आ रहा इमेज पे, ये वाली ले ली, ये वाली सेव। ठीक है, किस में कर दिया, सेलेक्ट सेव। ठीक है, क्लोज हो गया सेव। अगर अब मैं यहां जाता हूं तो अगर मैं अप जाऊं, सैंड बोर्ड नहीं है यहाँ ना, एक तो बैक करने का ऑप्शन मुझे मिलता नहीं है, कहाँ गया, यहाँ कुछ और होना चाहिए था। ये तो एनालिटिक्स पे जाएगा, इन्होंने बैक बोर्ड पे जाने के लिए ऑप्शंस कौन सा है यहाँ पे, योर वेबसाइट नहीं, पीछे से ही जाना पड़ेगा क्या। ओके, बोर्ड ऊपर, बोर्ड्स में गए। ठीक है, ये मेरे बोर्ड्स हैं, ड्राफ्ट वाला बोर्ड कहाँ गया जी, कहाँ, ये ड्राफ्ट है, इसमें तो मैंने और भी अभी सेव करे थे, वो क्यों नहीं आए। रीलोड कर रहा हूं, चेक कर लेते हैं, आनी चाहिए थी ये तीनों इमेजेस, एक तो पहले आ चुकी थी, वो मैंने पिन बना के सेव भी कर दिया, लग रहा है आ गई है, ये आ गई, वो रीलोड नहीं किया, रीलोड कर सकते हो, पर दो दो आनी चाहिए थी, एक क्यों आई है। देखिए ये एक ही इमेज आई हुई है, फिर से दोबारा से करके देख लेता हूँ, मे बी हो सकता है कौन सी इमेज आई हुई है हमारे पास, सॉरी ये वेरियर वॉरियर वाली, ये वाली इमेज आई हुई है, ये देखो जरा, सेव ड्राफ्ट सेव, वो शायद पिन में सेव हो गई थी, गलत हो गई थी मेरे को लग रहा है, क्या ना, मैंने बोर्ड गलत सेलेक्ट, बोर्ड नहीं सही तरीके से सेलेक्ट किया, मैं रीलोड करता हूँ, आनी चाहिए इमेज अब यहाँ पे। क्या बात है, इमेज क्यों नहीं दिखा रहा, ये इमेज सेव नहीं कर रहा है उसने, आनी चाहिए थी इमेज, दो आ गई, तीसरी में क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, कह नहीं सकते, कई बार होता है कि ये रिफ्रेश नहीं होता, या कई बार इनके ब्राउज प्लगइन की दिक्कत हो सकती है, वो कई बार हो सकता है कि हमारी अपनी मिस्टेक हो सकती है कोई हो रही हो, या कई बार होता है कि पिन इंटरेस्ट नहीं ले पाया उसको प्रॉपरली इमेज को। चलो किसी और पेज पे जाके देखता हूँ, चूजिंग ए होस्ट, इस पे जाते हैं, यहाँ पे कोई इमेज है, ये है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, आवर रिव्यू प्रोसेस है, इस टेक्स्ट को मैं चेक कर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहने देता हूँ, ड्राफ्ट ऑल बोर्ड्स सेव, होना चाहिए सीट नाउ, देख लेते हैं इस पे भी क्लिक करके, पिन इंटरेस्ट में ये पिन आना चाहिए, पिन तो आ रहा है, पिन आ रहा है, लेकिन ये क्या चक्कर है कि इसने दिखाया नहीं, बोर्ड पे जाके देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, नीचे तो नहीं है, ये आ गई है, नीचे आ रहे हैं। ओके ठीक है, ये इसने एक डिफॉल्ट बोर्ड सा बना दिया है ऊपर, उसके नीचे ड्राफ्ट वेब होस्टिंग के नीचे, ये नीचे आ रहे हैं सारे, अभी मैं कहूँ क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये पिन्स अभी कंप्लीट नहीं है, एडिट कर लो। ठीक
ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगा, सेव कर लो, इसी में रखना चाहते हो, ठीक है, सेव, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के डाल सकते हो, ये पिंस इस बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा एक ना एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे से गलती से क्लिक हो गया था, तो ये एक ड्राफ्ट वेब होस्टिंग के नीचे चीफ वेब होस्टिंग नाम से एक और वेब बोर्ड सा बन गया है नीचे, जो मतलब सब बोर्ड कह सकते हो आप, ठीक है। तो मेन मेन अगर आपको चाहिए तो मैं जब ऊपर वाले पे क्लिक करता हूं तो ये मेन बोर्ड है, इसके अंदर ये सब बोर्ड है, सब बोर्ड के अंदर चीफ वेब होस्टिंग नाम के सब बोर्ड के अंदर दो इमेजेस, दो पिन्स आ रहे हैं, ये नीचे अब बाकी पिन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं भी, अब मान के चलो आप पिक्सा बे पे हो, पिक्सा बे डॉट कॉम, तो आप लोगों को ये पता लग रहा है कि भाई सोशल मीडिया जितने भी साइट्स हैं वो एक से एक शानदार टूल्स दे रही हैं आपके काम को आसान करने के लिए। हमें उन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनकी मेथडोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, उनके काम करने के तरीकों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम उन सोशल मीडिया टूल्स को टूल्स को चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, किसी को भी शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को 2 साल 3 साल पुरानी नॉलेज पे मत रखो, कुछ नया 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 आता जा रहा है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जब इन सोशल मीडिया टूल्स के बारे में आप पूरी तरह से इंडल्ज हो जाओगे इसमें, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे इसमें टूल्स में, तो आपको काफी कुछ ऐसा पता लगता जाएगा धीरे धीरे करके जो आपके काम के तरीके को बेहतरीन बनाता जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको क्योरा का बताया था कि क्योरा किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं, गूगल पे क्वेश्चन टाइप करते हैं, क्योरा आपका ऊपर आ जाता है लिंक, उस पर क्लिक करते हैं, क्योरा में देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आंसर्स दिए लोगों ने, बट कभी हम लोग ने रिप्लाई किया नहीं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं हुए प्रॉपरली, ठीक है। रिप्लाई करो लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को छोड़ सोचते हुए, कि आप एक आर्टिकल क्वेश्चन का आंसर भी आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्योरा में आप क्वेश्चन फाइंड करो आपको जिस टॉपिक पे आपने आर्टिकल बनाया हुआ है, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड करो और देन अपना आर्टिकल वहां पेस्ट कर दो एज ए रिप्लाई। तो उसका नतीजा क्या होगा कि नेचुरली उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका आर्टिकल जो सोशल मीडिया टूल्स पे भी था क्योरा पे भी आ गया, वो आर्टिकल धीरे धीरे गूगल में भी टॉप पे आने लग जाएगा, रिप्लाईज आपके रिप्लाई अगर अच्छा है तो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका वो लिंक, आपका वो आर्टिकल टॉप पे आएगा, लोग उस पे क्योरा के उस क्वेश्चन पे जाएंगे, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंक्स पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम ढूंढते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड है, हम कोई है भी नहीं मेरे पास वेब डिजाइनिंग, ठीक है, चलो जी वेब डिजाइनिंग, ये आ गई इमेजेस, ध्यान से देखो हर एक इमेज के ऊपर सेव बटन आ रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, सेव बटन, ठीक है, ये वाली इमेज ले ले, मुझे ये ठीक लग रही है, सेव सेव, टाइटल उसने अपने आप ले लिया पिक्साबे से, ये आप बाद में चेंज कर सकते हो, कहां सेव करनी है मुझे, वेब हो ड्राफ्ट वेब होस्ट के अंदर करनी है, इसके सब बोर्ड के अंदर नहीं करनी, यहां सेव कर दे, सेव होगी, सी इट नाउ पे क्लिक करो, चेक कर लो कि अगर आपका प्रॉपरली पिन बना है कि नहीं बना है, ठीक है, आ गया ये आपका पिन, ठीक है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो और सेव कर सकते हो एक प्रॉपर बोर्ड के अंदर जिसके अंदर आप चाहते हो, ठीक है, नहीं तो अभी टेम्परेली सीक्रेट बोर्ड के अंदर रखो, ऐसे कितने जितने मर्जी सीक्रेट बोर्ड्स बना सकते हो जो कि ड्राफ्ट बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं ड्रग्स ओके की परमिशन कर रहा हूं तो मुझे अगर होम्योपैथी की कुछ अच्छी मिले तो होम्योपैथी ड्राफ्ट हो गई, आयुर्वेदिक ड्राफ्ट हो गया, एलोपैथी ड्राफ्ट हो गया, या पर्टिकुलर किसी बीमारी से रिलेटेड मुझे इमेजेस मिली तो वो मैंने उसके अलग अलग बोर्ड्स बना लिए सीक्रेट बोर्ड्स, ठीक है, और उनको ट्रांसफर किया लाइव लाइव बोर्ड में जो पब्लिक बोर्ड्स हैं पिन इंटरेस्ट पे उनके अंदर जो सीक्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन गई, बैक जाते हैं, आपको यहाँ पे पिन इंटरेस्ट में नजर आएगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई इमेज, जब मर्जी इसको चाहो एडिट करो और सही बोर्ड के अंदर सेव कर लो, ठीक है। एक ऑप्शन और भी था, मुझे वो दिख नहीं रहा,
एक्चुअल में क्या होता था कि उसमें मैं एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिन ट्रांसफर कर लेता था। ये ऑप्शन था तो सही, क्लियर नहीं हो रहा मेरे को कि कहाँ है। ड्रा बोर्ड्स में जाना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। ये बोर्ड्स हैं, लेटेस्ट पिन्स हैं। बोर्ड्स, बोर्ड्स पे मैं गया। ये बोर्ड्स हैं, सॉरी। इसमें 12 पिन्स हैं, इसमें 8 पिन्स हैं। सीक्रेट बोर्ड हमारा कहाँ गया? ये रहा, ये हमारे सीक्रेट बोर्ड अलग से आ रहे हैं नीचे। अब मैं इसको कैसे करूं ट्रांसफर? मोर आइडियाज। ये तो क्या, ये तो आइडियाज हो गए पिंस के, ये सुजेशन समझ लो आप। कैसे करें? होता है इसमें फाइंड सम अदर आइडियाज फ्रॉम अदर बोर्ड्स। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता था। ये अब ड्रैग तो हो रहा है, लेकिन पेस्ट कैसे करूं इसको? आप लोग चेक करके देख सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन था पहले, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि वो ऑप्शन मैं कैसे करा था। मैंने एक बार करा था, नेट पे ढूंढ सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप से। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पिन को एडिट करो, सेव का वहां से ड्रॉप डाउन से बोर्ड सेलेक्ट करो और सेव दबा दो और वो चला गया। मतलब इतना बड़ा वो इशू नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए काम करते हैं, बट शायद यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया ना कि लेफ्ट साइड में एक बोर्ड आ जाता, राइट साइड में एक, और मैं इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता, ठीक है। इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया। ये मैं ये कर पा रहा हूँ मैं इधर चीप होस्टिंग में? नहीं, ये भी नहीं कर पा रहा शायद। नहीं, हो नहीं रहा। आई थिंक शायद बोर्ड एक्शंस यहाँ पे देखो, ऐड सेक्शन, एक नया सेक्शन जैसे ये सेक्शन बना हुआ है वो है, ठीक है। शायद हो सकता है उन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया हो, या मुझे वो ट्रिक नहीं आ रही, क्लियर ध्यान आ रही, ठीक है। ऑर्गेनाइज, नहीं ये भी नहीं है। डन हो गया, ये कुछ नहीं करना। चलो, ये एक अच्छा ऑप्शन था जो आप लोगों के लिए यूजफुल है, अगर आप लोगों ने पहले नहीं यूज किया हुआ कि हम किस तरह से पिन इंटरेस्ट की प्लगइन। ओ सॉरी, पिनिंग इज नॉट अलाउड फॉर दिस डोमेन, प्लीज कॉन्टेक्ट द साइट ऑपरेटर इफ यू है। ओके 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 ओके, वो मैंने पिन इंटरेस्ट में क्या को, ये प्लगइन जब ग्रे क्यों नजर आ रही है, क्योंकि मैंने पिन इंटरेस्ट, ये सेव बटन पिन इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा, पिन इंटरेस्ट डॉट कॉम पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं पिक्साबे खोल रहा हूं, देखो ये रेड हो रहा है, यहां रेड नजर आ रहा है। रेड का मतलब क्या कि इस साइट पे ये काम करेगा। पिन इंटरेस्ट की साइट खोल लेता हूं तो ग्रे हो जाता है, इस पे ये काम नहीं करेगा। तो वही ये बता रहा है, सॉरी पिनिंग इज नॉट अलाउड फॉर दिस डोमेन, यानी एक आपका ये प्लगइन जो एड ऑन है, एक्सटेंशन है क्रोम की, ये इस पे काम करेगा, ठीक है। मैं एक बार क्रोम में चेक, फायरफॉक्स में भी चेक कर लेता। मैंने चेक किया ब्राउज़, इसमें फायरफॉक्स के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर भी एक्सटेंशन अवेलेबल है पिन इंटरेस्ट के सेव बटन की, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करे वो थे पिन इंटरेस्ट सीक्रेट बोर्ड, ठीक है, पिन इंटरेस्ट होम इंटरसेक्शन एक्सटेंशन, पिन इंटरेस्ट सेविंग इमेजेस फ्रॉम वेबसाइट। ये टॉपिक है पिन इंटरेस्ट विजिट का, ये मैं अगले आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम आगे और कुछ और टूल्स पे काम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।